अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर ने अपनी ही फिल्म के डायरेक्टर को डांट दिया। सदी के महानायक अमिताभ और ऋषि कपूर इन दिनों अपनी हालिया फिल्म रिलीज 102 नॉट आउट की सफलता का जश्न मना रहे हैं। फिल्म के सक्सेस प्रेस मीट के दौरान अमिताभ और ऋषि ने अपनी फिल्म के डायरेक्टर उमेश शुक्ला को जमकर डांटा। दोनों दिग्गज कलाकारों ने उमेश से पूछा कि आखिर क्यों फिल्म में उनके कुछ खास सीन्स बिना बताए एडिट कर दिए। अमिताभ कहते हैं कि फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स और लंबे डायलॉग शूट किए गए थे जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद थे, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने उन सभी डायलॉग्स को फाइनल कट के दौरान एडिट कर दिया। मैं जानता हूं कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि फिल्म की लंबाई फिल्म के टाइटल की तरह 102 मिनट ही रहे। अपने सीन के एडिट होने से नाराज ऋषि कपूर ने कहा कि मैं फिल्म के एक चीज की आलोचना आज सबके सामने करना चाहता हूं। डायरेक्टर ने फिल्म के लिए मुझसे एक सीन करवाया था लेकिन उसे फिल्म से एडिट कर दिया। अब आप लोग उनसे पूछिए कि उमेश ने ऐसा क्यों किया। अमिताभ अपनी शिकायत सुनाते हुए कहते हैं कि मेरा जो शुरुआती सीन है उसमें मैं स्कूटर को रोकता हूं, तब स्कूटर वाला मुझे कहता है अरे मरेगा क्या। मेरा जवाब होता है मैं मरता नहीं हूं। फिर मैं स्कूटर में बैठकर उससे लंबी बातचीत करता हूं। स्कूटर वाला गाने लगाने के लिए पूछता है तो मैं कहता हूं कि क्या तुम्हारे पास रफी या ESD की गाने हैं। वो कहता है अपने पास पुराने गाने नहीं है, तो मैं कहता हूं आजकल के धूमधड़ाके वाले गानों से तो हॉर्न की आवाज बेहतर है। इस सीन में मेरे बहुत से डायलॉग थे जिसे उमेश ने एडिट कर दिया था। अमिताभ ने यह भी बताया कि मैंने जब डायरेक्टर से पूछा कि सीन क्यों निकाल दिए, लोग कहानी देखेंगे, लोगों को स्कूटर में हुई आपकी बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, ऐसा कहना था डायरेक्टर का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे किरदार को अच्छी तरह बताने और समझाने के लिए वो पूरा सीन जरूरी था। मैंने डायरेक्टर को सीन समय की बर्बादी लग रहा था, शायद इसलिए हटाने दिया। अमिताभ और ऋषि कपूर की प्यार भरी फटकार और शिकायत के बाद डायरेक्टर ने दोनों से माफी मांगी, लेकिन दोनों कलाकारों की फटकार उसके बाद भी जारी रही। फिल्म को संगीत से सजाया है सलीम सुलेमान की जोड़ी ने। 102 नॉट आउट बूढ़े हो चुके बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है जो साथ साथ हंसते रोते अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं।